केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टरों को 2016 में जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया था। 2 साल बीत गए लेकिन डॉक्टर आज भी मरीजों को ब्रांडेड दवा लिख रहे हैं। यह तस्वीर चंदौली के जिला अस्पताल की है, जहां मरीज सस्ते और बेहतर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां आने के बाद उनकी जेब को मिलता है ब्रांडेड दवाओं की महंगी कीमतों का बोझ। मेरा ले आई आई बाहर से लिख रहे हो। बाहर से लिखी है दवा? हाँ। आप लोग के पास पैसा है? अरे पैसा कहाँ बा, तो आप लोग बिना दवा के ही अब जाएंगे? अब तो क्या करें। जरा सुनिए इस बारे में जन औषध केंद्र के मैनेजर का क्या कहना है। हमको डॉक्टरों का पर्चा पढ़ने में, हमारे यहाँ स्टाफों को पढ़ने में काफी कठिनाई प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो जेनेरिक नाम से ही नहीं है, वो किसी ब्रांड के नाम के तहत ही लिख के आ रहा है। डॉक्टरों की कमीशन खोरी का ये खेल गरीब मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं अधिकारी बस कार्रवाई करने की बात पर पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सस्ते और मुफ्त इलाज के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। कमलेश गिरी, ईटी भारत, चंदौली।